You are watching Jay Chaudhary's channel, My Happy Life. जी दोस्तों, ये वीडियो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से है और ये इस हफ्ते से शुरू हो चुका है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट ये है कि जो इस साल जो हज होना है उसमें ये 5 कंट्रीज के लिए शुरू किया गया है। उन 5 कंट्रीज में पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और मोरक्को है, और मोरक्को के अलावा मलेशिया है। तो ये 5 कंट्री से शुरू किया गया और ये प्रोजेक्ट है क्या जिसको रोड टू मलेशिया कहते हैं। प्रोजेक्ट इस तरह से है कि जो भी हाजी पाकिस्तान और जो दूसरे 4 ममालक जिनका मैंने जिक्र किया है, जो इस दफ़ा हज करने जाएंगे, तो जो उनका इमिग्रेशन का प्रोसेस सऊदी अरब में लैंडिंग के वक़्त होता था, वो प्रोसेस इस दफ़ा जिस कंट्री से हाजी जाएंगे उसी एयरपोर्ट से कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई हाजी पाकिस्तान से जा रहा है, इंडोनेशिया से जा रहा है, मलेशिया से जा रहा है या दूसरे जो कंट्रीज हैं, 5 मैंने आपको बताए हैं कि ये सिर्फ 5 कंट्रीज से अभी शुरू किया है। इमिग्रेशन जो जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो सारा। अब ये हज के लिए ये 5 कंट्री के जो अपने एयरपोर्ट हैं वहीं पे इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा और जैसे ही हाजी वहाँ पे जद्दा पहुंचेंगे तो वो कहीं भी ना तो उनको मजीद इमिग्रेशन करानी होगी ना लाइनों में लगना होगा, उसके बाद वो अपने फर्दर जो उनका मक्का की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो कल जो फ्लाइट पहली जद्दा में पहुंची थी उसमें रोड टू मक्का के तहत, उसको फौरन जितने भी हाजी थे उसमें उनको बसों में बिठा के मक्का की तरफ भेज दिया गया। तो ये इस तरह से टाइम भी बच गया और जो हर साल हाजियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था पहले यहाँ पे, फिर वहाँ जद्दा पहुँच के सऊदी अरब में, तो उसका हल इन्होंने ये निकाला है। और ये इस तरह से हो रहा है कि एक प्रोसेस पाकिस्तान और जो दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट हैं वहाँ पे हो रहा है और सऊदी अरब में बैठ के वो लोग इसको ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं कि भी प्रोसेस जो है उसकी निगरानी वहाँ पे हो रही है। तो ये टाइम बचाने के लिए और हाजियों को उसमें ये इंतज़ार से बचाने के लिए। और इस दफ़ा तकरीबन 20 लाख हाजी जो हैं वो इंशाल्लाह हज करेंगे। सऊदी हुकूमत ने जो इदादोशुमार जारी किए हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में सबसे ज़्यादा हाजी इंडोनेशिया से आते हैं, उसके बाद मलेशिया और पाकिस्तान से आते हैं और उसके बाद फिर दूसरे ममालिक का नंबर आता है। वो उम्रे का भी यही पैटर्न है, सबसे ज़्यादा उम्रा इंडोनेशियंस करते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी और उसके बाद फिर दूसरे ममालिक से। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपना तरीक़ाकार वादा किया गया है इस दफ़ा हज के लिए ताकि लोगों को आसानी हो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके हवाले से तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआ करें, जो लोग हज जिन्होंने करना है अभी नहीं कर सके, अल्लाह ताला उनको हज की तौफीक दे।